गुड मॉर्निंग गाइस, रात का 12 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठा हूँ। अभी मतलब शाम से पूरा सो के मतलब सो गया था सडनली, और शादी का माहौल है, चिल्ला वल्ला की वजह से नींद टूट गया, वरना अभी अभी तक सो ही रहा था होता। और वोकल को क्या हुआ मेरे को कुछ पता नहीं, मतलब बैठ चुका है पूरा, और सर्दी बुखार भाई क्या क्या होने वाला है पता नहीं मेरे को, एकदम लाइफ चेंज हो चुका है जैसा लग रहा है। चलो मिलते हैं सुबह, तब तक थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म कर लेता हूँ, और नहीं तो 2 दिन के लिए यहाँ का दिखा दूंगा बस। और वहाँ पर लगभग बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं उनको जानता भी नहीं, और शर्म भी आ रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा है भाई, किसी को पता ही नहीं है कौन। लेकिन उन लोगों को, उन सभी को मेरा बारे में पता है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता। कबाल का बात है भाई, कुछ पता नहीं है किसी के बारे में, ऐसे वल्ला बैठा हुआ हो, कब से अकेला बैठा हुआ सो रहा हूँ भाई कब से, और कुछ नहीं। और ये रात का भी मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइट का भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ का, और बाकी सब अंधेरा भाई, दिखाऊँ क्या, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, कल सुबह स्टार्ट करूँ, कुछ आइडिया नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। पसंद आया तो वीडियो डाल दूँगा ये क्लिप, वरना रिमूव। और एक्चुअली वहाँ पर जाना है मेरे को, और लेकिन शर्म आ रहा है, बहुत शर्म आ रहा है मेरे को, जाके करूँ क्या। और गर्मी का कारण इसका साथ ही है भाई, ये मेरा साथ ही है गर्मी में, अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ भाई, ख़त्म हो जाऊँगा मैं। बहुत गर्म है यहाँ, टेम्परेचर मतलब पता लो 35 डिग्री होगा, और ह्यूमिडिटी 60 का ऊपर, सोच रहे हो 60 का ऊपर ह्यूमिडिटी होता है यहाँ। कल देखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बिना देखे मैं नहीं बोलता हूँ भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह सुबह मैंने मतलब कल ही मैंने मतलब दिमाग में आया था कि कुछ ना कुछ मैं बोल चुका हूँ, और क्या बोला हूँ मेरे को पता नहीं है। सुबह उठा, याद आया कि ब्रश भूल गया मैं, ब्रश रहना पड़ा अभी। लाइफ में मतलब कहीं पर भी जाओ ना, मतलब कुछ ना कुछ भूल जाओगे आप, अच्छा चार्जर नहीं भूला तो गड़बड़ हो जाती। और वेल, यहाँ पर होने वाला है आज का शादी, मतलब यही है व्यू पॉइंट, शादी कैसा होता है रात को दिखाते हैं। और बताओ क्या हाल चाल है, मतलब यहाँ में तो देखो कल आया मैंने, मेरा वहाँ पर दो दो तीन दोस्त रहता है, उन लोग से मिल चुका हूँ, और जो शादी का वेन्यू है वहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ भाई, एकदम ब्लैक आउट हो चुका हूँ, क्या करूँ, एनी टाइम लेटे रहता हूँ, फ़ोन लेके घूमते रहता हूँ, और कुछ नहीं। और सर्दी का पता नहीं भाई कब ख़त्म होगा, मतलब फिर से हो गया सर्दी, रात को हुआ था अब तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैं अच्छे से बात कर नहीं पा रहा हूँ, होता है। तो व्यूज़ मतलब व्यू तो भाई आज का पूरा ठीक है, पूरा ठीक है एकदम। और ये देखो मतलब कल क्या हो गया, पिंपल, ये पिंपल चीज़ से ना मेरे को सख्त नफरत होता है भाई एकदम। देखो जब मैं एज 18 था मेरा, तब भी था और अभी भी है पता नहीं क्यों, मतलब जब मैं 18 में था, मतलब 18 का था, क्या बोल रहा पता नहीं, 18 का था तब मेरा फेस में पूरा हो चुका था यहाँ तक लेके, और शुक्र मनाओ कि अभी वो नहीं है। और ये यहाँ का फील्ड मतलब स्कूल जो है, स्कूल भी है फील्ड भी है दोनों ही है एक साथ, हाँ काफ़ी बड़ा है। लेकिन कल चलो घर के तरफ, बहुत घूम चुका हूँ और घूमना नहीं होगा भाई, क्योंकि रास्ता भी पता नहीं मेरे को कहाँ से कहाँ घुसता है, नो आइडिया, क्योंकि यहाँ का मैं नया लड़का हो चुका हूँ उससे, और मेरा दोस्त लोग शायद 12 बजे नहीं तो 1 बजे आ जाएगा, मतलब जिन जिनको मैं पहचानता हूँ वहाँ का, तो उन लोग से भी मिला होगा, मतलब मुलाकात होगा, मतलब हकलाना तो भूलूंगा नहीं भाई, जहाँ पर भी जाओ एनी टाइम हकलाना हकलाना है, कब जाएगा ये हकलाना मेरे को पता नहीं है। और यहाँ का व्यूज ऐसा होता है, वेल आज का मौसम देख के लग रहा है कि लगभग ठीक ही होगा, पर वेदर का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा कर भी नहीं पाऊंगा मैं, कब पलट भी पूरा चाहे पलट जाता है, चलिए हकलाना फिर से हकलाना काट दूंगा फिर। और ये रहा हमारा गर्मी का साथी, नींबू पानी, जो हवा का मारे मेरा बाल बिगड़ चुका है, और ये नींबू पानी बेकार है एकदम बेकार, मतलब कंपनी लोग का क्या है कि जैसा तैसा करके बना लो, मार्केट में तो चली जाएगा, हम लोग चूतिया है ना क्या, इसलिए सच्ची में हम लोग चूतिया है, जो पसंद आए वो ले लेते हैं चीप प्राइस में, वो चेंज कर लो भाई। 9:30 बच्चे को और भूख लग चुका है, चलो जाके कुछ खा लेते हैं, बाद में होगा वीडियो, हाँ भाई चलो तब तक के लिए।
और यहाँ का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो शादी में रस्म होता है ना वो सब। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। ओ भाई, मतलब यहाँ का मतलब अलग ही रूल होता है ना, अलग ही रूल। लेट्स सी, हैव अ लुक। लेट्स सी कैसा होता है शादी, मणिपुरी शादी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है जो वो देख रहा हूँ, और पता नहीं नो आइडिया कैसा होता है। लेट्स सी मैन। वेल होप सो आप सभी को ये शादी वाला वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। और हम लोग 1000 जल्दी पहुंचने वाले हैं, होप सो। तब तक के लिए पीस आउट।